हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिसेज रंजन ब्लॉग्स, और आप लोग देखे हमारे पिछला ब्लॉग में कि हम लोग कैसे न्यू ईयर अपना सेलिब्रेट किए हैं, कैसे न्यू ईयर एंजॉय किए हैं। तो आप लोग को हमारा न्यू ईयर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो ये ब्लॉग हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग से शेयर करना था कि सुषमा दी यानी मायके में कैसे नया साल मनाई है आप लोग को दिखाने के लिए। तो आप लोग देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोगों का नया साल आप सब देख चुके हैं, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करते रहिएगा। और देखिए आप सुषमा कैसे अपने मायके में नया साल मनाई है हमारे ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, आज 1 जनवरी है, मतलब न्यू ईयर है, इसीलिए सबको हैप्पी न्यू ईयर फिर से। अभी शाम के टाइम है, शाम के 4 बज रहे। अभी मैं पार्क आई हूँ, घर के पास में ही, मतलब 4 कदम दूरी पे ही है, यहाँ घर के सामने, मेरे घर के सामने। तो ये पार्क ना 9 साल से करीब बंद था, तो आज ही ओपनिंग हुआ है, तो मैं आई हूँ घूमने। और ये बच्चा के लिए, ये बच्चा लोग के लिए खेलने का जगह है ऐसा। तो मैं कुछ मतलब झूलुआ है ही नहीं, जो बच्चा का झूलुआ नहीं होता है, झूला होता है, झूला जो भी हो। तो चलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, यहाँ छोटा सा थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। वो तो माछ बोटे ना, क्रोकोडाइल देखिए कितनी मछली है यहाँ पे, पता नहीं वो क्या है, काला सा झुंड दिख रहा है, आई होप वो मछली होगा, आई थिंक क्रोकोडाइल नहीं है इसमें। ये पार्क का पीछे वाला पोर्शन है, मतलब ये एंड है, और मैं आप लोगों को आगे वाला भी दिखाऊंगी। उधर जाऊंगी जब आगे तो मैं दिखाऊंगी। आगे थोड़ा सा भीड़ था, आज ओपनिंग है इसीलिए थोड़ा सा भीड़ लगा हुआ था, इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। दिखाती हूँ, थोड़ा सा दिखाती हूँ, प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे इसीलिए। ये देखिए यहाँ पे रील का शूटिंग हो रहा है, रील बन रहा है, कुकुसु रील बन रहा है। फोन देखिए कहाँ रखी हुई है, ये देखिए। चलिए वीडियो बन रहा है। ये दिल तेरी आंखों में डूबा, बन जा मेरी तू महबूबा। दिल बनाने नहीं आता क्या? दिल कहाँ बना आपसे? ऐसे हम लोगों को घूमते घूमते शाम हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं।
5 से ज्यादा हो गया, 5:30 बज गया है, 1.5 घंटा हो गया, अंधेरा भी होने लगा है क्योंकि कुसुम सिर्फ रील बनाने में बिजी है, सिर्फ रीलें बनाए जा रही है तब से, इसीलिए देखिए यहाँ बच्चा लोग का हो गया खेल शुरू। এইখানে মনে হয় যে একটা বই পড়া বসার জায়গা থাকতো। दिव्या यहाँ पे फोटो शूट करवा रही है। यहाँ एक बात बता दे कि यहाँ ठंडी बिल्कुल भी तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही कम है, बिहार से भी आधा ना के बराबर ही समझिए। थोड़ा था ठंडा, लेकिन अभी 2 दिन से फिर गर्मी पड़ गया है। इधर सेल्फी चल रहा है। इसमें बता दे, इसमें झूला था 2 गो बड़ा बड़ा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, फिर शायद लगेगा। इसमें पहले मैं बचपन में इसमें बहुत झूलती थी, इसमें हम लोग के लिए था और इसमें छोटा बच्चा के लिए था। अभी फिर से ओपनिंग हो चुका है तो फिर से बनेगा पहले जैसा। देख सकते हैं आप लोग मेरा मौसी क्या कर रही है, ये कूल चुन रहा है। हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलता है, शायद बैल ना क्या बोलता है पता नहीं। इसका मजा देख सकते हैं आप। और देख सकते हैं पेड़ में बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा हुआ है। आप सबको पता चल रहा है क्या? नहीं, शायद पता चल ही रहा होगा। मेरा भाई को भी देख सकते हैं आप लोग। ये है पार्क का मेन गेट है, शुरू है ये, यहाँ से एंट्री है, एंट्री गेट। प्रोग्राम खत्म हो चुका है इसीलिए सब जा रहा है कुर्सी उर्सी। ज्यादा बड़ा तो प्रोग्राम नहीं था, छोटा सा ही था। मेरा भी यही हुआ है भैया के, मेरा साथ ही जाते हैं। हम लोग घर जा रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। इनका देखिए कारनामा, मना कर रहे फिर भी नहीं सुन रहे। अरे मुंह लगा देगा। इनका ड्रामा देखिए, बाप रे, मेरे को नहीं। दिव्या देख के डर के मारे चली गई घर।
वही रखिए ना उसको, डॉगी को रखिए। तो देख ले फ्रेंड्स हम लोग कैसे न्यू ईयर एंजॉय किए हैं। वहाँ जैसे तो नहीं किए हैं बट ऐसे ही घूमने निकले थे, यहाँ पे उतना एंजॉय नहीं कर पाए हैं मुजफ्फरपुर जैसा। तो देखा आप सबने हमारी छोटी दी ने कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। तो आई होप आप लोग को अच्छा ही लगा होगा न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट की है छोटी दी। तो हमारे मतलब ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके साथ ही आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।